जय श्री कृष्णा। महान पूर्ण रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही की खट्टी मीठी पूरी, जो गुजरात की फेमस डिश है। चलिए हम इसे बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है छानकर, और उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 चम्मच दही लिया है, और 3 चम्मच ही मैंने यहाँ पर घी यूज़ में लिया है। बहुत ईजी रेसिपी है, आप जल्दी से बना सकते हैं इसे। और अब हम इसका आटा लगा लेंगे। ध्यान रखें कि हमने इसके अंदर पानी मिक्स नहीं किया है। ये देखिए, मैंने एकदम टाइट आटा लगाया है, एकदम परफेक्ट है। और उसके बाद हम 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा कर रख देंगे। अब हम चाशनी बना लेते हैं। तब तक 1 कप मैंने यहाँ पर चीनी ली है, और उसके बाद पानी लिया है मैंने 1/2 कप से 1 टेबल स्पून कम। इसके बाद हम इसे गैस पर रख देंगे और इस तरीके से चम्मच चलाते रहेंगे। इसमें चाशनी में उबाल आने लगा है, हमें 1.5 तार की चाशनी बनानी है। तो अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। ये 1.5 तार की चाशनी है, आप देखिए ड्रॉप गिर रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारा तार बन रहा है, 1.5 तार की चाशनी है ये। इसमें हम थोड़ी सी केसर मिला देंगे, जिसे मैंने गुलाब जल में भिगो दिया था। इससे टेक्सचर अच्छा आएगा हमारा, खुशबू अच्छी आएगी एक्चुअली। और मैंने घी गरम करने के लिए रखा है, आप इसकी जगह तेल का यूज़ कर सकते हैं, पर घी में मिठाई अच्छी बनती है। अब हमारे 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसकी लोई बना लेंगे अच्छे से, और उसके बाद इसे बेल लेंगे। हमें इसकी थिकनेस को इतना ही रखना है, इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। और उसके बाद हम एक कांटे की हेल्प से इस तरीके से छेद कर देंगे, ताकि चाशनी जो है अंदर तक जाए, हमें इसको फुलाना नहीं है। उसके बाद हम एक गोल डिब्बा लेंगे, आप सांचे का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इस शेप में काट देंगे। ये देखिए इस तरीके से है, इसकी थिकनेस पे आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा घी गरम हो चुका है। हमें इसको ज़्यादा गरम नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें कि घी ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। और जैसे ये सिकने लगेगी तो ये अपने आप ऊपर आने लग जाएगी, तो हम इन्हें पलट देंगे और सुनहरा भूरा होने तक इसे पकाएंगे। अब चाशनी को हम इस तरीके से फेंट लेंगे, ताकि इसका टेक्सचर जो है क्रीमी हो जाएगा, ऐसे घी की तरह दिखने लगेगा ये। मैं आपको इसमें 2 तरीके से बना के दिखाऊंगी दही थरे। आप देख सकते हैं ये एकदम क्रीमी हो चुका है, टेक्सचर इसका घी की तरह दिख रहा है। ये देखिए हमारे सिक चुके हैं। तो अब दूसरी बात ये ध्यान रखने की है कि हमें ये गर्मा गर्म ही इसके अंदर डालने हैं। अगर आपको परफेक्ट मीठा चाहिए तो ऐसे बनाएं, और अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ये जो चाशनी है उसको फिर से गर्म कर सकते हैं, तो वो सेम टेक्सचर में आ जाएगी जो स्टार्टिंग में थी। आप देख सकते हैं ये एकदम मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर इस तरीके से पूरियाँ डाल देंगे, और बाकी बची हुई पूरियों को भी हम इसी तरीके से निकाल देंगे। अगर घी ज़्यादा गर्म है तो गैस को बंद कर देंगे और फिर इस तरीके से पूरियाँ डाल देंगे। तो ये लीजिए, दही की खट्टी मीठी पूरियाँ बनकर तैयार है। हम इसे दही थरे भी कहते हैं, जल्दी से बनकर तैयार हो चुके हैं। मैंने इसको 2 तरीके से बताया है। एक, जो आपको अगर मीठा परफेक्ट पसंद है तो आप चाशनी को फेंट करके फिर ये पूरियाँ डालें, और अगर आपको मीठा ज़्यादा नहीं पसंद है तो चाशनी को मेल्ट करके पूरियाँ डालें। तो आज की ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।